नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे BPSC 69 को लेकर। BPSC 69 आपके लिए करो या मरो की स्थिति क्यों है? आप लोग अवगत होंगे कि BPSC अब कंबाइंड PT एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं, यानी सभी जो एक तरह के एग्ज़ाम है उसके लिए सिंगल PT होगी। अगर वो चूके तो पूरे जो वैकेंसी है साल भर की अलग अलग BPSC के द्वारा सभी से आप चूके। दूसरी बात, जब भी किसी भी कमीशन की सिलेबस में बदलाव देखने को मिलती है तो पहला दूसरा साल आसान होती है। तो 68 में सिलेबस में बदलाव आया है तो 69 आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका होगा फाइनल करने के लिए, क्योंकि आपको 68 से आइडिया मिलेगा क्या क्या बदलाव, कैसे क्या रणनीति है, क्या अपनानी चाहिए। तो इसीलिए जो है 69 BPSC आपके लिए करो या मरो की स्थिति। अगर आप 69 BPSC को चूक जाते हैं, अभी वैकेंसी भी नहीं आई है और जानते होंगे कि एग्ज़ाम सितंबर में संभावित है, तो आज से अगर देखा जाए तो आपके पास लगभग 6 महीने समय बचे हुए। तो आप कर क्या रहे हैं? इस करो या मरो की स्थिति के लिए आप कितने तैयार हैं? आप कर क्या रहे हैं? क्या आप अपनी समय को फिर से उस नज़दीकी सीमा तक ले जाना चाह रहे हैं जहां से सभी लोग PT की तैयारी के लिए एक्टिव होते हैं और अभी सोकर वेब सीरीज या अन्य तरह के एक्टिविटी में आप शामिल हैं, और फिर एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आप त्राहिमाम मचाएंगे PT की तैयारी को लेकर, फिर नेगेटिव मार्किंग है, 1-2 नंबर से नहीं होगा, फिर रोना रोएंगे दुख का। आपके पास वास्तविक में करो या मरो की स्थिति, और अगर आप नहीं संभले तो फिर BPSC भूल ही जाइएगा, वो आपके बस का चीज़ नहीं होगा। यहाँ एक और है कि नेगेटिव मार्किंग में PT कैसे निकाली जाए, और 69 को एक तरह से आप लोगों के रूप में देख सकते हैं। 69 जो है, देखिएगा क्या इंडिकेट कर रहा, 6, और यही 6 जो है 9 में बदल गया। कहने का मतलब है कि 69 इंडिकेट क्या कर रहा है आपके पास। नेगेटिव मार्किंग में PT का सबसे बड़ा मूल मंत्र है पढ़ो और उसी का रिवीजन करो, पढ़ो और उसी का रिवीजन करो। जब तक आपको याद नहीं रहेगी कन्फर्म कोई भी बातें, आप कन्फर्म वहाँ टिक नहीं लगा सकते। तो ये यही इंडिकेट कर रही है कि पढ़ाई करो और उसका रिवीजन करो, यही है मूल मंत्र, पढ़ाई करो रिवीजन करो। अब अंतिम समय में जब आप एक्टिव होंगे पढ़ने के लिए तो रिवीजन कब करेंगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ पढ़ना होगा आपको। इसीलिए समय अभी अनुकूल है कि आप पढ़ाई को शुरू करें अभी से और रिवीजन भी करते जाएं, क्योंकि आपके पास क्या है, निगेटिव मार्किंग के साथ 6 महीने की समय है प्री को लेकर। अब यहाँ पर पढ़ने के लिए देखे होंगे 68 BPSC में क्वेश्चन जो भी थे वो सभी के सभी अल्टर थे, तो आप सावधान तो हो गए होंगे। अब ऐसा भी सावधान अपना हो जाए कि सोए रहें और पढ़ाई लिखाई से दूर है। जैसे आप लोग लगभग लोग पता नहीं किस अवस्था में चले गए, सुसुप्त अवस्था में चले गए, जहाँ लग रहा है पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कर क्या रहे हैं? तो अपना समय मोबाइल पर बिता रहे होंगे, अपना समय अन्य चीज़ों पर दे रहे होंगे। बंधु, ये 69 BPSC है, ये आपके लिए करो या मरो की स्थिति है। जो हुआ पीछे भूल जाइए, फिर से उठिए, और जो आप तमन्ना है, जो आपकी सपना है उसके लिए लग जाइए। ये 69 BPSC। यहाँ एक चीज़ और बताएंगे कि BPSC 69 PT सितंबर में आधारित है, 6 महीने का समय है, तो क्या सिर्फ PT में ही अपना समय फिर से बर्बाद करना चाह रहे हैं? देखिए उन बच्चों को जो 67 PT निकाल तो लिए थे लेकिन मेंस के लिए समय नहीं मिला, उनके साथ क्या हो। देखिए 68 वालों की प्री तो निकाल लिए उतनी कठिन परिस्थितियों में, लेकिन मेंस के लिए उनके पास समय मुश्किल से 30 दिनों का। क्या 30 दिनों में इतने बड़े प्रयोग के साथ मेंस निकाला जाएगा?
तो आप लोगों के साथ धोखा इसीलिए होता है क्योंकि आप धोखा खाना चाहते हैं। अब फिर से आप पीटी के लिए जी जान लगा कर 6 महीने बर्बाद करेंगे और मेंस की तैयारी जीरो होगी। वास्तविकता है कि ये 6 महीने में अगर आप चाहें तो अगर प्रतिदिन 2 आवर भी दें तो मेंस की संपूर्ण तैयारी हो सकती है। कम से कम एक बार तो ज़रूर पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। और जैसे ही पीटी समाप्त होगी आपको लगेगा कि मेरी पीटी हो रही है, क्योंकि कट ऑफ का अंदाज़ा तो अब आपको लग ही गया कि 91 कट ऑफ, वो भी कम सीटों में। देखिएगा 300 के करीब जब आपका सीटें हैं तब जाकर 91 कट ऑफ गया है, निगेटिव मार्किंग। अगर ये 800 सीट होती तो ये निश्चित रूप से 86-85 जनरल का जाता, लेकिन सीट भी कम थी इसीलिए कट ऑफ 91 गई है। तो जब आप प्री देंगे और आपको लगेगा कि मेरा 90+ जा रहा है, 100 के करीब है, तो फिर वही मेंस जो 2 घंटा अभी से आप बिताएंगे इस समय, क्योंकि इसमें आपको अब बहुत सारे बदलाव है, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। आपको ये जो इम्पोर्टेंट पढ़ने की जो आदत थी ना उसे आप भूल जाओ। इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता, सब इम्पोर्टेंट होता है। ये जो 2 घंटे अभी से आप दोगे उसी को रिवीजन, यानी रिजल्ट आने की 1 महीने, अगर आपका 100+ जा रहा, 90+ जा रहा है अगर आपकी उस 6 महीने बाद, तो जो रिजल्ट के आने का जो पीरियड समय बर्बाद जो करते हैं ना, ये पूरे को रिवीजन कर सकते हैं। और जैसे ही रिजल्ट आया फिर आप आंसर राइटिंग के माध्यम से अपनी तैयारी को पूरे ठोस आधार दे सकते हैं और 69 को हर हालत में हासिल कर सकते हैं अच्छे रैंक के साथ। बाकी मेरा काम है आपको उचित सलाह देना और आपका काम है सलाह मानना या ना मानना। बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं, अब मत बर्बाद कीजिए। आइए फिर से लगी प्री के साथ साथ मेंस में, और ये जो 69 की करो या मरो की स्थिति है उसे करने में विश्वास रखिए और हासिल करने में विश्वास रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए आइडिया के साथ। जय हिंद।